जिस तरीके से अभिषेक को पोकिंग की जा रही है, मैं टोटली इसके अगेंस्ट हूं। मुझे लिटरली कल ये सारी चीजें देख के बहुत बुरा लगा, और आज के एपिसोड में तो और भी ज्यादा पोकिंग होने वाली है, हम बात करेंगे उसके ऊपर। और दूसरी चीज, जैसे मनारा इज लाइक लिटरली ऑब्सेस्ड विद मुनव्वर, मुनव्वर मनारा की बातें भी नहीं कर रहा है, बट और वो जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रही है कि इसे मुझे कैप्टन बनाए, आई डोंट नो हाउ कैन शी एक्सपेक्ट जब तुम उठते बैठते किसी और के साथ हो। ठीक है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आफ्टर द रिएक्शन। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, मैं मोनाली नायको, वेलकम टू माई चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गो। क्या बोल रहा है? ऊपर क्या भरा पड़ा है तेरे में? तो मार ए अरुण का कोका मतलब कुछ है ही नहीं। देखा जो बात का लो ना, मेरे को पोक किया जा रहा है इस इंसान से और उस इंसान से। नकली एप को मेरे बाप पे मत जा, मेरे बाप को पता बचपन से तुम नका। क्या था ये यार, कितना स्माइलिंग? ऐसा कुछ नहीं था आयशा, कुछ बता रहा था उसमें तेरे सही में ये एक्चुअल भी नहीं रहता, वो एक दर्द तो वाला पीछे भी ऐसी बातें नहीं कर रही। बातों में आना मत ज्यादा, यहाँ सब तेरे नाम से भी कुछ कुछ बोल रहे थे जब तू नहीं थी, तो बोलना मत पीछे से। मैंने देखा है मुन्ना, तू हंस रहा था, वो आयशा को बता रहा है तू हंस रहा था। कौन है तू? तू किसी का है? मैं किसी का है? किसी का तेरा शो में किसी का? अरे अभी देख, कल स्माइल पे चार लोग तेरे को बोल रहे हैं झूठे लोग, तेरे को भी पता है अगेंस्ट है वो। गंदा चाहिए तेरे को बंदूक चलाने को? किसका गंदा चाहिए? गंदा अब किसका गंदा चाहिए? और किसी के लिए प्रीजन जाएगी? डोंट ट्रस्ट हिम। तेरे से बंदा आ गई उठती जा कंधे चले तेरे को। अबे चल रे, फीलिंग आ गई पूरे पूरे टाइम में ही खड़ा आज। मुनव्वर फारूकी सेंसिबल आदमी है, बेवकूफ छिचोरा किस्म का इंसान, लाइक हाँ हाँ हाँ, ही इज नॉट दैट, ही टेक ही टुक द ओनरशिप। उसके चांसेस है जीतने के। या ऑफ कोर्स मुनव्वर, मुनव्वर हैज टू बी पार्टी के लिए जा रहा हूँ। और आप लोगों का फेवरेट कौन है? मुनव्वर फारूकी भाई सर, आपका फेवरेट कौन है? आई थिंक वो दिल वाला बंदा है और वो दिल से खेलता है और दिल वाले लोग जीतते ही है। और रुको भाई, रुको ना, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मुनव्वर सबका फेवरेट हो। इसको एक फोटो चाहिए आपसे, जा। अरे रुकना भाई थोड़ा। और अरे अरे मुन्ना से मिल ले, चलो मैं तो जेम से चल के। मुनव्वर के वो नहीं है फॉलोवर्स, अजय ना कल्ट फॉलोवर्स प्यार करते हैं उसको। दो हफ्ते से उसकी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो उसका सिर झुका हुआ है उन चीजों से। ये नहीं कि तो देख लेंगे ट्रॉफी कौन लेके जाएगा। हाँ ये लाइन बोल रहा था, तेरे हाथ से छीन के ले जाऊंगा ट्रॉफी, अभी तेरे हाथ से छीन के लेके जाऊंगा ट्रॉफी, ऐसी बातें करता है तो तू क्या बेवकूफ समझ रहा है? देखिए ओरा को बनाओ कैप्टन, वो देगा अभिषेक को इम्यूनिटी। तुमने कैप्टेंसी से हटाया मुझे, दिखाए अपने गेम के लिए किया। अभिषेक को ये कुछ नहीं बोल रहे जिसने एक्चुअली हटाया। दुश्मन थी ना आपको, लगा अभिषेक को मैं उड़ाऊंगी। ये अच्छा काम यार मुनव्वर, जो समझना है समझो। कुछ पिक्चर का आइडिया सोच, बायोपिक बना दे क्या? अरे बायोपिक वो चल रही है राज पे, तमीज से नाम ले, राज कपूर जी है तेरा दोस्त है क्या? नहीं, 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 वो वाला राज, राजकुमार पागल, वो मनोज कुमार है एंड आई एम नॉट गोइंग देयर अगेन। इधर आओ राजकुंद्रा, शट अप एंड बाउंस। राजकुंद्रा उसकी पिक्चर तो शिल्पा शेट्टी भी नहीं देखी। लेकिन कहानी तो सुन लो, अरे 30 बार खाटू ही बना दो प्लीज। नहीं क्या मुनव्वर के वो नहीं है फॉलोवर्स, आज है ना कल्ट फॉलोवर्स प्यार करते हैं। यार ये क्लिप दो हफ्ते से उसकी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो उसका सिर झुका हुआ है उन चीजों से। ये नहीं कि तो देख लेंगे ट्रॉफी कौन लेके जाएगा। हाँ ये लाइन बोल रहा था, हाथ से छीन के ले जाऊंगा ट्रॉफी, अभी तेरे हाथ से छीन के लेके जाऊंगा ट्रॉफी, ऐसी बातें करता है तो तू क्या बेवकूफ समझ रहा है? ओ रिक्की भाई सोने दो, मेरी ऑडियंस बचा ली। ओके ओके ओके, कुछ खाने लाओ। फिनाले आ गया क्या? फिनाले 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 आ गया। कौन से फिनाले? भाई फिनाले कितना टाइम है? वो आयशा करके बताएगी ऐसा दोस्ती कल।
कल मेरी फ्रेंड आयशा, आयशा अब कह रहा आयशा बताएगी, ऐसा ऐसा कर रहा था ना तू, अरे मुन्ना कंधे पे चढ़ गया, कहां से मुतेगा बे मुन्ना। रावर की जो हर हफ्ते में यहाँ रुक के जलाने वाला हूँ ना। अबर आपसे शुरू करते हैं। यस बिग बॉस, मैं अनुराग का नाम लेना चाहूंगा। आप होते हैं अभी इसी बार मोहल्ले से बेघर। जी बिग बॉस, बहुत देर गेम चल रहा है, ये गलती क्यों? चोमू तो फिर लग गया चोमू। अबे लुच्चे, आपका गटर छाप लौंडा जो आधा अधूरा इलाज छोड़ के यहाँ पे आया है। अरे कल क्लोस्ट्रोफोबिक वाली एक्टिंग तो सबने देखी होगी ना, करके तुझे तो पता ही नहीं मैं क्लोस्ट्रोफोबिक, नहीं मुझे तो नहीं पता। अरे मम्मी पापा भी तेरे से परेशान हो गए, ये पहले मम्मी पापा पे जा चुका, ये ले टीवी तोड़ दे, टीवी तोड़ दे, टीवी तोड़ दे। मेरे को तो लगता है और जोर से डालना चाहिए। कि आज कौन इस मोहल्ले का अगला कैप्टन बनता है ये इस मोहल्ले के तीनों एक्स कैप्टन्स पर ही निर्भर करता है। वी आर रिमूविंग मनारा। मुनावर ने एक बार नहीं चाहा कि मनारा क्या, जिसकी मैं फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। हम इसके ग्रुप में इसके यस मैन होंगे, हम इसके नौकर चले, जो लोग आपके साथ है उनका ग्राफ गिर जाए। परिणी मेरे जैसा हेलमेट तो खरीद नहीं सकता, मतलब महंगा होगा, महंगा होगा, बट भले वो महंगा होगा मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन मेरे हेलमेट का वजन तेरे से ज्यादा है बे। बहुत कमेंट हो चुका, अच्छा तू खड़ा नहीं सकता ना, मैं बैठा हूँ। अनुराग का कमेंट उसको खा गया, तू जिसका फैन है ना वो लोग फैन है मेरे, अपने आप को खा गया बोलते ना, वैसा हो गया खुद ही अपने डाउट बोलता। मुनव्वर अभी तक कोई भी नहीं बता पाया है बिग बॉस में। यार ये घर पे कर लेता है, कमीना ऐसे ही बैठता है। हाँ तो देखो मैं है ना रिंकू, मैं शायरी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे एक अलग गेम अपने ऑडियंस को दिखाना है, और यही ये करते करते मुझे ना एक अलग चीज करनी है यहाँ पर, और फिर ये अच्छी गंदा सही एक्टिंग की, पर ये घर पे करता एंटरटेन कर देता तो आज घर के अंदर रहता नील। ओके सबसे पहले मुझे ईशा समर्थ और अभिषेक की बात करनी है। इट्स नॉट लाइक कि मुझे पहले अभिषेक पसंद था, पहले मैं भी सोचती थी यार ये क्या है, छोटी छोटी बातों पे इतना रिएक्ट करके इतना ओवर क्यों कर रहा है, ठीक है पहले मुझे नहीं पसंद था। विथ टाइम जब मैं देख रही हूँ उसने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है सलमान खान के फीडबैक के बाद उसने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया, तब से हर टाइम ईशा और समर्थ बाप का मेंटल लौंडा, ये कौन बोलता है मुझे बताओ, ये कितनी, और पहले ये लोग माँ बाप पे जा रहे हैं, शायद मेरे को पिछले एपिसोड्स भी वापस रिपीट देखना पड़ेगा कि पहले किसने प्रोवोक किया, तब पता चलेगा मुझे कि एग्जैक्टली कौन ज्यादा ये है। पहले हम ईशा को बहुत ज्यादा क्या बोलते थे, अप्रिशिएट किया करते थे, ये सारी चीजें देखने के बाद 1% का मेरे मन में नहीं है अप्रिशिएशन या ये सारी चीजें कहीं से भी, बिकॉज आई एम नॉट लाइकिंग दिस एट ऑल। मेंटल पता है आपको, ये ऐसा किसी को पहले ही उसको मेंटल इश्यूज होते हैं, वो लोग दवा खाने में जाके इसका इलाज करवाते उसको, और तुम उसको उधर ही टॉर्चर करो। आई वाज फीलिंग बैड लाइक एनीथिंग कल के एपिसोड में फॉर अभिषेक, बहुत बुरा लगा वो जिस तरीके से रो रहा था। दूसरी चीज, क्या मनारा और मुनावरा अभी दोस्त दिख रहे हैं आपको? जो मनारा बोल रही है कि मैं आपको नॉमिनेट कर सकती हूँ पर एलिमिनेट नहीं, मतलब उसने एक आइडिया दे दिया कि मैं तुझे नॉमिनेट करने के चांसेस है अगर मैं कैप्टन बन जाऊँ या जो भी है, इसलिए तो वो मुनावर क्या पागल है, सर पे गिरा हुआ है जो मनारा को कैप्टन बनाएगा। और ईशा ने ही ज्यादातर बोला है और ईशा ने बाद में आग भी लगाई, अगर आप ध्यान से एपिसोड्स देखोगे ईशा हमेशा बीच में बैठती है, हंसते हंसते तीली लगाती है, साइड में हो जाती है, बहुत गंदा गेम खेल रही है ईशा। आपको क्या लगता है इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियाले सा बाय।